करनाल में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अभी कल ही करनाल के डीसी कॉलोनी में घर जा रही महिला से चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी, जिसके आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। इसी बीच आज फिर करनाल के कलंदरी गेट के समीप स्थित AMPM जनरल स्टोर पर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने बंदूक के बल पर 70,000 कैश व 2 मोबाइल लूटकर फरार होने की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की तुरंत जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटना के बारे में DSP वीरेंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि AMPM जनरल स्टोर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना सुबह 7 और 7:30 बजे के करीब की है और अज्ञात बदमाश, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है, उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दोषियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट मिली थी शुरुआती तौर पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लाइव सीसीटीवी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, कैसे वारदात हुई, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती तौर पर नहीं पता चला, इसमें 7:30 बजे के आसपास 4 लड़के आए हैं और उन्होंने लोगों का कैश रखा था, वो कैश लेके गए। पब्लिक की बाहर हुई और इनके स्टाफ में भी सिर्फ 2 ही आदमी थे और उन दोनों से जो भी पैसे सर, अवैध पिस्तौल भी मिला है इनके पास? ऐसा ही इनका ये बता रहे हैं कि इनके पास अवैध पिस्तौल था या कट्टा था या क्या था, वो तो जांच के बाद सीसीटीवी में दिख रहा है। हाँ जी, सीसीटीवी दिखाई दे। तो लोगों से भी सर अपील करेंगे कि अगर कोई पहचानता है तो पुलिस को जानकारी दे सकता है, नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई लोग डरते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, उनकी फुटेज हमारे पास आई है, हम कोशिश करेंगे, हम जल्दी जल्दी, हमें होपफुल है रैकी भी की गई थी उसी समय, इनकी जो है चेंज भी होती थी, शिफ्ट भी चेंज हुई थी, तभी कम बंदे थे। मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं, मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता, हम होपफुल हैं कि जल्दी ये मामला चार लड़के आए थे सामान खरीदने के बाद आके फिर इनके साथ फुटेज ले लिए हैं, तो साफ शक्ल दिख रही है सर उसमें। कितने लोग बताए जा रहे हैं? 4 बताए जा रहे हैं, बाकी कितने बजे हुई है सर? 7:30 पिस्तौल एक के पास, क्या बताया कितने अमाउंट ले गए हैं? 70,000 करीब बता रहे हैं, बाकी आइडेंटिफाई जल्दी हो जाएगी। पिस्तौल एक के पास, हथियार भी थे? एक को बता रहे हैं, अभी आइडेंटिफाई फुटेज देख के बताएंगे, फिर नहीं थे क्लियर हो जाएगा। पुलिस को भी धमकी दे के गए हैं? नहीं नहीं, पुलिस को कोई धमकी नहीं दे, क्या क्या कह गए कि सिर्फ मतलब पकड़ के दिखाइए, कुछ ऐसे बात करिए? नहीं, ऐसा कोई नॉलेज में नहीं, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर। कितने आदमी थे? आइडेंटिफाई हुए 4 आदमी बता रहे थे, फुटेज में जल्द गिरफ्तार कर। तो आप देख सकते हैं सिटी थाना के सब इंस्पेक्टर मंजूर अली मौके पर पहुंचे हैं, सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। किस तरह? हाँ जी, कैसे हुई वारदात थोड़ा बताइए। सर ये लगा जी, सुबह 7 बजे का टाइम था, करीबन 7:30 बजे का टाइम था, उस टाइम ये वारदात हुई गई है कि 4 लड़के आए हैं बाइक के ऊपर, एकदम अंदर आया, पहले उन्होंने सामान वगैरह लिया अपना, थोड़ा बहुत 100-150 रुपये का उन्होंने सामान लिया, उसके बाद अपने काउंटर पे आए हैं। काउंटर पे आते ही उन्होंने एक अपनी साइड से तमंचा निकाला, तमंचा निकालते हुए उन्होंने एक हमारे एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय को पकड़ के कहा है कि हाँ जी सारा कैश दे दो अपना। पहले एक अंदर तमंचा लगा गया, फिर दूसरा लड़का अंदर को गया, उसने गल्ला खाली कर दिया सारा, जितना भी हमारे पास कैश था सारा कैश ले गए, और आगे जाकर उन्होंने दूसरा गल्ला भी चेक किया, उसमें उन्हें कैश नहीं मिला। तब उसके बाद जाके वे दूसरे एम्प्लॉय को पकड़ा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी अपना कैश दे दीजिए, इतना सारा पड़ा उसके अंदर कैश। तो फिर दूसरा एम्प्लॉय हमारे उसके ऊपर बंदूक रखी और दूसरे एम्प्लॉय ने सारा कैश निकाल के उन्हें सारा दे दिया, तकरीबन 70,000 से 80,000 के बीच बीच में कैश था हमारा, वो सारा उन्हें कैश दे दिया गया। फिर उसके बाद जाते हुए ये भी कह के गए हैं कि हाँ जी जो करना है कर लीजिएगा, उसके बाद वो चले गए। पुलिस को भी धमकी दी गई? हाँ जी। तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था सर? उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट चेंज हुई थी। सर किसी को चोट चोट तो नहीं? सर चोट चोट नहीं लगी, बचाव हो गया। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आगे से ऐसी कोई वारदात ना हो पाए। किस समय का टाइम क्या था? तकरीबन 7:30 के आसपास था सर। किस टाइप के लोग दिखाई दे रहे थे? सर ये लगा लीजिए गांव के लोग थे, कुछ जैसे कि वार भाषा बोल रहे थे कुछ ऐसी। कभी उनको पहले देखा हो या पहचान हो पाई? नहीं सर, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। किस चीज पे आए थे? सर बाइक पे थे, बाइक का नंबर कुछ नहीं था, बेटा हुआ था बाइक का, वो कैमरे में साफ साफ कैद हो चुके हैं। एक ही बाइक पर था हथियार उनके पास? हाँ जी, एक के पास देसी कट्टा था। क्या नाम आपका? सरब जी। क्या है आप यहाँ? सरब जी। सरब अंकुश नाम है? सरब जी। क्या है आप यहाँ? मैनेजर हूँ सर मैं यहाँ पे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.